चलिए दोस्तों, IRFC अभी तक तो देख रहे थे हम लोग, इरेडा ही भाग रहा था, लेकिन अब उसकी पीयर ग्रुप की कंपनी IRFC और PFC भी भाग रही है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। दो तीन खबरें निकल के सामने आ रही हैं IRFC में, सबको एक एक साथ कवर करेंगे। देखिए यहाँ पे जो एक सबसे पहली न्यूज़ निकल के सामने आ रही है वो तो ये है कि नुआमा के अनुसार अगर माने तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो हाल फिलहाल में डिमर्ज हुई कंपनी है, वहीं पे IRFC जो ये वाली कंपनी है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड जो पीयर ग्रुप की कंपनी, पॉलीकैब, अडानी पावर, REC लिमिटेड माइक्रो डेवलपर ठीक है लोढ़ा, और HDFC AMC को निफ्टी नेक्स्ट 50 में जो है शामिल किया जा सकता है अभी, ठीक है ना? अभी मिड कैप में है मेरे हिसाब से लगता है। अब इनको एक स्टेप और ऊपर कर दिया जाएगा क्योंकि मार्केट कैप बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है ना? तो अब निफ्टी नेक्स्ट 50 का हिस्सा, ये सब जो है निफ्टी 50 का मतलब निफ्टी 100 जो होता है उसमें शामिल हो जाएंगी। निफ्टी नेक्स्ट 50 का मतलब होगा जो टॉप की 50 कंपनियां, उसके बाद जो टॉप की 50 कंपनियां होती हैं उनमें ये जो है कंपनियां शामिल। अब इसमें शामिल होने से होता क्या है कि जो भी इस इंडेक्स को, जैसे कोई निफ्टी 50 को फॉलो करता है तो निफ्टी 50 में जो भी कोई म्यूचुअल फंड फॉलो करता है मान लीजिए, तो जितना जितना हर एक स्टॉक का वेटेज रहेगा ना उसके हिसाब से उतना वेटेज उसको भी अपने पोर्टफोलियो में रखना भी पड़ेगा, म्यूचुअल फंड में रखना पड़ेगा, जो एक इंडेक्स बनाते हैं सभी लोग म्यूचुअल फंड का, जैसे निफ्टी 50 का, निफ्टी नेक्स्ट 50 का, इस तरह से। तो उनको वो बाध्य है, कंपनी अच्छी हो बुरी हो उसका एनालिसिस उनको तब नहीं करना है, जितना वेटेज है वह उतना खरीद के रख लेना है, ठीक है ना? तो ये एक न्यूज़ है, तो इससे बेनिफिट हो जाता है कि जब भी कोई कंपनी नेक्स्ट लेवल पे अपने मतलब बड़े पायदान पे जाती है, बड़े इंडेक्स में, तो उसमें उतना ही ज़्यादा वेटेज होता है क्योंकि बड़े इंडेक्स को और ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, ठीक है ना? ये भी एक पॉइंट होता है कि बड़ा इंडेक्स में शामिल होना भी एक बड़ी बात होती है। अब देखिए यहाँ पे तो बहुत सारा एयर दिख रहा है इस वेबसाइट पे, तो मूड नहीं कर रहा है इसका खोलने का, लेकिन चलिए मैं धीरे से बता दे रहा हूँ जल्दी से आप लोगों को। देखिए PFC और IRFC बॉन्ड को निवेशकों की भारी प्रतिक्रिया मिली है। जब लगभग यहाँ पे जो बताया जा रहा है 6500 करोड़ का यहाँ पे बॉन्ड इशू करने के लिए यहाँ पे इशू किया गया था, उसके एवज में जैसे IPO में 1000 करोड़ का IPO हो तो 5 गुना 6 गुना 7 गुना सब्सक्राइब नहीं होता है, उसी तरह से बॉन्ड भी सब्सक्राइब होता है, तो इसके लिए जो है 14589 करोड़ की बोलियाँ लगी हैं। इसका क्या मतलब है वो मैं आप लोगों को बताऊँगा आगे, ठीक है ना? और अगर इसमें अलग अलग हम लोग देखेंगे तो जो है मतलब इनको मिला है तो वो यहाँ पे IRFC का जो इशू था वो 3000 करोड़ का था और उसके लिए 7610 करोड़ की बोली लग गई थी, और PFC का जो है 3500 करोड़ का इशू है और इसके लिए 6980 करोड़ का यहाँ पे बोली लग चुकी है। अब इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ दूसरे पेज पे क्योंकि वहाँ बहुत एड है, ठीक है ना? अब देखिए होता क्या है ना कि मान लेते हैं कि अगर ये ज़्यादा सब्सक्राइब होने का, जैसे बॉन्ड इशू ये किए हैं 3000 करोड़ इनको जुटाना है, ठीक है ना? और बोली कितने की लग गई, राउंड फिगर में ले लेता हूँ 7000 करोड़, तो इसका मतलब क्या है कि अगर कंपनी को 3000 अभी चाहिए लेकिन 7000 मिल रहा है, अगर समझिए कि कंपनी को भविष्य में 4000 करोड़ और अगर चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, क्योंकि अगर ये बिना जो है किसी हिचक के फिर से बॉन्ड ला सकती है अगर जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है, तो ज़्यादा सब्सक्राइब होने का मतलब ये मेरे साइड से निकल रहा है, ठीक है ना? तो ये इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट है, तो दिख गया। और बॉन्ड सब्सक्राइब तो इसका मतलब कर्ज मिल रहा है कंपनी को, और पावर फाइनेंस ये फाइनेंसिंग कंपनी है ही, तो इसका मेन एसेट ही है कर्ज, ठीक है ना? पैसा ही इसका मेन एसेट है, पैसे को ही दे के रिटर्न इनको लेना है ब्याज, ठीक है ना? तो ये निकल के सामने आ रहा है। आज बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है भाई, 44 करोड़, तो यहाँ पे NSE पे डाटा दिखा रहा है लेकिन BSE का टोटल मिला लेंगे हम लोग तो 56-57 करोड़ का डाटा निकल के सामने आ रहा है, और जो मैं आप लोगों को दिखा दूँ 8 करोड़ यहाँ पे, 9 करोड़ NSE पे डिलीवरी उठाई गई है, 20% निकल के सामने आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो कितना वॉल्यूम दिखा रहा है, 54 करोड़ वॉल्यूम दिखा रहा है, ठीक है ना? 54 करोड़ वॉल्यूम यहाँ पे, और एक चीज़ और यहाँ पे आपको दी जाएगी, 776 नंबर ऑफ लास्ट डील भी देखने के लिए मिली है, और लास्ट डील में भाई खेला हो गया है। लास्ट डील जब मैं ओपन किया हूँ ना तो यहाँ पे मुझे बहुत बड़े बड़े लास्ट डील यहाँ पे मिले हैं। देखिए मैं कितना आपको दिखाऊँ, मतलब टोटल दिखाना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे 34 करोड़ अभी ऊपर देखिए 10 करोड़ था, उसके बाद अगर इस तरह से गोला खींचूंगा तो दिक्कत हो जाएगा।
यहाँ पे देखिए 19 करोड़, इसी तरह से अगर आप लोग चेक करोगे ना तो 10 करोड़, 5 करोड़, 5 करोड़ की तो छोड़ दीजिए झड़ी लगी है, इतने देखिए 6 करोड़ यहाँ पे छोड़ रहा है। इस तरह से बहुत सारे 5 5 8 8 10 10 करोड़ के यहाँ पे जो है शेयर खरीदे बेचे गए हैं, तब जाके 54 करोड़ शेयर आज ट्रेड हुए हैं यहाँ पे 5 करोड़, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पे 5 करोड़ जा रहा है नीचे, यहाँ पे 4 करोड़, तो इस तरह से आ जाएगा। तो ये इसमें तेजी का मुख्य कारण है, क्योंकि खरीदारी भी हो रही है, बॉन्ड भी सब्सक्राइब हो चुका है, निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी शामिल हो जाएगा, तो ये सब कुछ इसके लिए पॉजिटिव है। करना क्या है मेन मुद्दे की बात, तो ये सब न्यूज से तो पैसा मिला नहीं कुछ से, अब खरीदेंगे तभी शेयर मिलेगा पैसा। तो खरीदना कब है, देखिए खरीदना है आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ये 85 रुपये का स्टॉप लॉस फॉलो करना है, चाहे कहीं पे भी खरीदो 85 रुपये पे स्टॉप लॉस आप लोगों का रहना चाहिए। 85 रुपये के नीचे डेली कैंडल क्लोज करती है तो ठीक है ना। टारगेट कहाँ का रहेगा, टारगेट आप लोगों का रहेगा इसमें जो है फिलहाल के लिए 100 रुपये का, ठीक है ना। 85 रुपये हालांकि 1:1 के आसपास का भी बैठ रहा है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म वालों के लिए थोड़ा सा जो है चेंज हो जाएगा प्लान, ठीक है ना, क्योंकि मैं देख रहा था थोड़ा सा दिक्कत है अभी। 100 रुपये जाएगा, 100 रुपये के बाद फिर से हो सकता है गिरावट करे इसमें, तो 123 रुपये के टारगेट के लिए अगर आप लोग जाओगे ना तो आपको 73 रुपये का स्टॉप लॉस फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, क्योंकि फिर 85 का कट जाएगा, क्योंकि 100 टच करके फिर 85 आ जाएगा तो स्टॉप लॉस कट जाएगा, ये भी आप समझ लीजिएगा अगर 23 के लिए जाएंगे ये स्टॉप लॉस के साथ तो, ठीक है ना। तो अगर 85 का स्टॉप लॉस फॉलो करना है तो छोटा टारगेट आपको चाहिए, लेकिन अगर आप 73 रुपये का स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे तो आपको 123 या 125 पर राउंड फिगर में कहें कि टारगेट मिलने की संभावना है, मेरे साइड से बिल्कुल कंफर्म है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको देख सकते हो, आगे भी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी तो वीडियो बनाऊंगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।